व्यूअर्स आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। आज मैं बैठा हूँ ओखला के बेटे के साथ। लगातार घरों घर तक ओखला का बेटा आवाज दे रहा है। एक आप ऑडियो सुन रहे होंगे, विश्वास आपके बीच में आ रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ, नेता नहीं। इस कंपेन को जो आपने शुरू किया है, मैं नेता नहीं, मुझे बड़ा डिफरेंट लगा इस कंपेन को। क्या सोचते थे इस कंपेन को शुरू किया आपने? देखिए, मैं इस कैंपेन को सोच के नहीं, मैं नेता नहीं हूँ कभी भी। कोई भी यहाँ पर कोई पॉलिटिकल किसी भी तरह की कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कभी भी नेतागिरी की। मैं एक बेटा बनकर शाहीनबाग और अबुल फजल की खिदमत करना चाहता हूँ और वो पिछले 4.5 साल से हम कर रहे हैं। यहाँ पर कभी भी हमने ऐसा व्यूज, कभी भी ऐसा एटीट्यूड नहीं देखा होगा कि जो एक नेता के अंदर होता है, जो एक नेता करता है। मैं शाहीनबाग अबुल फजल का बेटा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता ने मुझे प्यार दिया है। मैं सबका बेटा चाहने वाला, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ। यहाँ पे हम बेटा बनकर काम करना चाहते हैं, नेता बनकर नहीं ओखला विधानसभा में। क्योंकि दिल्ली का हम काम, दिल्ली का मैं जो आम आदमी पार्टी अपनी सोच के साथ आई, जिस तरह दोबारा सरकार, तीसरी बार सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है, तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा था, मैं बेट नेता नहीं हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ और दिल्ली में वो काम करके दिखाएंगे। इसीलिए हम अपनी सोच भी वही रखते हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ और ओखला विधानसभा के अबुल फजल वार्ड का एक बेटा बनकर काम करना चाहता हूँ। विवर्स, अब्दुल वाजिद खान साहब लगातार 2 दिन से व्हाट्सएप पर ट्रेंड कर रहे हैं, फाउंटेन को लेकर क्या मामला है उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारी कोशिश होगी, क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता था जिस तरह से भीड़ आ गई थी, आखिर पूरा माजरा क्या था, क्योंकि वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं लगातार 2 दिन से, आप लगातार हर ग्रुप में मैं देख रहा हूँ वो वीडियो जा रहा है। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए उस फाउंटेन को लेकर आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि अपोजिशन के लोग यहाँ तक शाहीन बाग तक आ गए, उसको रुकवाने लगे, आखिर सच्चाई क्या है जो हमारे व्यूवर्स तक वो पूरी बात पहुँच सके। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर आए थे, 50-60 लोग वहाँ पर एक साथ वहाँ पर मौजूद हुए, और क्योंकि पूर्व प्रत्याशी बिरहम सिंह और जो विनोद बच्चे थी जिला अध्यक्ष पटपड़गंज के, वो वहाँ पर 50-60 कार्यकर्ताओं को लेकर पहुँचे थे। क्योंकि वहाँ पर जो फाउंटेन, फ्रीडम फाइटर फाउंटेन बन रहा है कालिंदीगंज के ऊपर, वो एक माननीय विधायक जी के फंड से बन रहा है, और दिल्ली की जो एंट्री है जो यूपी से मिलाती है, वो सब खूबसूरत बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जब भी कोई चुनाव आता है तो प्रोपागंडा लेकर वो तैयार रहते हैं बीजेपी वाले कि कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज़ को लेकर इफेक्ट करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एरिया जिस तरह से मुस्लिम डोमिनेट एरिया है, बीजेपी वाले चाहते हैं कि 2022 का चुनाव MCD का रहा, कि कोई ना कोई नया रंग दें। लेकिन वहाँ पे हम मौके पे पहुँचे, जैसे ही 23 तारीख को मुझे पता चला कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 50-60 कार्यकर्ता वहाँ कालिंदगंज पे आ गए फाउंटेन का काम रुकवाने का काम कर रहे हैं, तो मैं अपने साथियों के साथ यहाँ से पहुँचा और बड़ी हिम्मत से काम किया। हमने ये कहा उनसे, भारतीय जनता पार्टी वालों से, कि आप यहाँ से चले जाइए, ये हम बिना परमिशन के नहीं बना रहे, परमिशन लेके काम कर रहे हैं। जो PWD का रोड है उसकी परमिशन ली है, और उनको उनके बीच में पहुँच के हमने ये भी बताया कि जिस तरह से मुख्य प्रधानमंत्री अमर ज्योति को हटा के वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया है, वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, और उसी तरह से हम भी यहाँ पे एक भारतीय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके यहाँ पे सबकी फ़ोटो, उनके याद में एक फ़ोटो, उनकी लाइटिंग, यहाँ पे एक फाउंटेन बनाने जा रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर कोई दूसरा काम या कब्जा करना चाहते हैं। वो ब्लेम लगा रहे थे कि माननीय विधायक जी यहाँ पर कब्जा करा रहे हैं, यहाँ दुकानें बना रहे हैं, तो मैंने उन्हें बताया जाके, उसके बाद वो वहाँ से जब उन्हें सारी चीज़ें उनके सामने रखी तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए। ये बात सच है कि वाजिद साहब हमेशा जनता के बीच में होते हैं, और बड़ा एज ए पत्रकार भी मैं कह सकता हूँ, बड़ी आसानी से असेबल है, आप फोन कर लें या बातचीत करें, इस पर कोई दो राय, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी प्लाज्मा न्यूज़ का, जब भी चाह आसानी से अवेलेबल हो गए। वाजिद भाई, 5 साल होने जा रहे हैं, आप इलेक्शंस में जाएंगे, आखिर जनता जब आप काउंसलर बने तो क्या 5-6 चेंजेस जो किए आपने वो हमारी जनता को बताइए काउंसलर बनने के बाद। देखिए, पिछले जैसे 2012 से 2017 का पिछला जो MCD का कार्यकाल था, उससे अबुल फजल की जनता अबुल फजल वार्ड में जिस तरह से डेंगू ने 2016-2015 में जो पैर पसारे थे कि यहाँ की मौतें याद हैं लोगों को, किस तरह से MCD ने काम किया था, MCD काम करने के नाम पर कोई यहाँ पे MCD वालों को तलाशता नहीं था, जो काउंसलर थे वो सोए हुए थे, लेकिन उसे जनता ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। जो एक काउंसलर के 8,500 वोट जीत के लेके आया था, उस टाइम पे जीता था 2012 के अंदर, तो जनता ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था, 170 वोट पर समेट दिया था। मैंने जब मैं यहाँ पे जीत के आया 2017 में, जनता ने प्यार दिया, 10,500 वोट हमें दी,
उसके बाद हमने जितने भी डीबीसी कर्मचारी थे, चाहे हमारे यहाँ के नालियों का काम हो, डीबीसी कर्मचारियों ने मच्छर का, उसके बाद 2017, 2018, 19, 20, 21 में जितने भी 5 साल गुजरे, जैसे कोरोना काल में हमने काम कराया क्योंकि एक मच्छर डेंगू का बहुत बड़ा इशू था, दूसरा उससे पहले 8-8, 10-10 दिन कूड़ा पड़ा रहता था, 2012-13 के अंदर आपने देखा होगा कूड़ा नहीं उठता था, गाड़ियों का अंबार लगा रहता था, एक भी दिन 2017 से ऐसा नहीं है जिस दिन एक भी दिन ऐसा हुआ हो कि गाड़ी कूड़ा उठाकर न ले जाती हो। और ये टिप्पर ऑटो टिप्पर जो चल रहा है, DDSIL कंपनी को एक हमने कॉन्ट्रैक्ट कराया और उसके वहाँ पर टिप्पर लगा के पूरे वार्ड के अंदर वार्ड में घूमते हैं, चाहे वो शाहीनबाग बाजार हो, चाहे अबुल फजल का, चाहे ओखला बाजार, ओखला गांव का बाजार हो, जो हमारा पूरा वार्ड है उसमें अंदर 10 गाड़ियाँ टिप्पर लगाएं, जहाँ कूड़ा पड़ा मिलता हमने उसे उठाने कम किया। ओखला गाँव का तिकोना पार्क से लेकर ओखला हेड से लेकर तिकोना पार्क तक हमने एक रोड बनवाया जो RCC, जो हमारा ऑथराइज एरिया है, ऑथराइज एरिया में पार्षद का फंड लग सकता है, जो हमने वहाँ पे वो रोड बनवाया ओखला हेड से लेकर तिकोना पार्क तक। तिकोना पार्क पे एक गेट बनवाया जो आज मौजूद है, अभी देखेंगे आप, एक ओखला गांव पे गेट बनाया क्योंकि जो अबुल फजल और शाहीनबाग है यहाँ पे MLA लेट फंड या दिल्ली सरकार का ही फंड लग सकता है, काउंसलर का कोई फंड नहीं लग सकता, तो इसलिए अबुल फजल शाहीनबाग में हमने माननीय विधायक जी से फंड लगवाया, चाहे वो रोड बनाने का हो, सीवर डालने का हो, आज की डेट में पानी की लाइन का हो, और 95 करोड़ की लागत से जल बोर्ड का काम शुरू हो रहा है यहाँ पे, जो अबुल फजल और शाहीनबाग में जल बोर्ड की लाइन डालने का काम शुरू हो गया, अबुल फजल से हमने शुरू करवा दिया है वो काम, 95 करोड़ की लागत से वो काम चल रहा है, और एक एक घर एक एक गली में अब जल बोर्ड की सीवर की लाइन डलेगी, अब तक तो जो डली हुई थी वो बरसाती डलवाई थी, लेकिन अब सीवर की लाइन डलेगी और पानी की लाइन एक एक गली में पहुँचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑथराइज में हो, चाहे हमें विधायक जी से मिलकर काम कराया हो, यह हमने अपना क्यों, हमने ओखला को बेहतर बनाने के लिए काम किया। ये सच है कि वाजी साहब ने कोरोना काल में खासकर प्लाज्मा न्यूज़ का अपना एक्सपीरियंस रहा, वैसे वक्त में जब हम एक बड़ा कंपेन चला रहे थे तो वाजिद भाई ने मुझे फ़ोन करके ये कहा था कि आप ज़रूर बताइए, लिस्टिंग दीजिए, ताकि कहीं ना कहीं अगर लोगों ने इन पर भरोसा किया, और जिस तरह से इन्होंने एक नारा दिया कि मैं नेता नहीं बेटा हूँ, आपके बेटे से लगातार बातचीत करता रहूँगा, इंटरव्यू करता रहूँगा, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।